टीसीएस निंजा हायरिंग की तरफ से इंटरव्यू का प्रोसेस का मेल आया है और उसके बाद में आपको टीसीएस की तरफ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मिसमैच वाला मेल नहीं आया है। तो आपको जो है, आप मुझे पूछ रहे थे कि इसका मेल आईडी मुझे सेंड कर लो, आप उसे रिप्लाई कर दोगे, मगर मैं आपको बता दूं कि ये वाला मेल है जो है वो पर्टिकुलर अलग अलग एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है कि उनको पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है कि इतने इतने स्टूडेंट्स को दो। अगर मैंने आपको मेल आईडी दे दी तो उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, इसलिए मैं आपको मेल आईडी नहीं दे सकता। मगर ये हो सकता है कि अगर आपको ये वाला मेल आया है उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिसमैच का मेल नहीं आया, तो ये हो सकता है कि आप एलिजिबल हो। तो हम मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर इन पांचों पॉइंट में फिट आते हो तो आपको जो है वो मेल नहीं आएगा। तो सबसे पहला आप 2022 पास आउट होने चाहिए, उसके बाद में आपका एक से ज़्यादा बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ ही आपका जो है गैप नहीं होनी चाहिए स्टडी में 24 मंथ्स की, मतलब 2 ईयर्स की आपकी गैप नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही आपका जो है 60% क्राइटेरिया, ये बहुत सारे लोगों का मिस मैच होता है तो इसलिए ये मेल आता है। तो यहाँ पे 60% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 10th में भी होने चाहिए, उसके साथ ही 12th में भी होने चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा में होंगे तो वो भी होना चाहिए, और उसके साथ ही आपकी डिग्री 4 साल में ही निकल जानी चाहिए, मतलब आप एक भी साल डीसी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने अगर ये पांचों पॉइंट्स फॉलो कर लिए तो आपको जो है ई मेल नहीं आएगा, कभी कभी आ भी जाता है। तो अब तो कैसे रिप्लाई करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होंगी। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको कौन सा रिप्लाई करना है वो मैं आपको राइट साइड में दे दूंगा, दिख रहा हूँगा आपको, उस पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख लीजिए।